नो कंपल्शन. देखो मैंने शुरू में ही कहा था कि वाई आर वी अरेंजिंग दिस वर्कशॉप, जस्ट फॉर योर बेनिफिट. अगर यू डोंट फील लाइक कि देर इज एनी ड्राइव इन यू कि हम ये एक वर्कशॉप कराएं, तो यार तुम भी बाकी 10 दिन रह गए छुट्टियों के, मौज करो, हमें भी और काम कर रहे थे, हम भी नहीं आते यहाँ पे. तो वाई शुड वी बोथ साइड एंटैगल इनटू समथिंग जिसका कि अगर आप फील कर रहे हो कि फ़ायदा कोई नहीं है, मजबूरी तो कोई नहीं, इट्स नॉट अ रेगुलर कोर्स, कोई रेगुलर सेमेस्टर भी नहीं है, ना इसमें ग्रेडिंग होनी है. तो इफ दैट इज द थॉट प्रोसेस जो अगर आप लोगों के जेहन में है कि जी कंपल्शन कोई नहीं है इसलिए जरूरत नहीं अटेंड करने की, तो वाई इवन सिट इन द लेक्चर, छुट्टी करते छुट्टी करें. आई वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. देखो अगर आप कहोगे, आप ये ना समझोगे यार डॉक्टर बुरा समझेंगे कि यार देखो वर्कशॉप की या नहीं, महंगा यार. अगर आप लोग नहीं इंटरेस्टेड तो आप भी मौज करो, मुझे भी और काम है, मैं भी वो काम करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है हर रोज यहाँ आके इसमें टाइम लगाने की, जबकि इसका फायदा ही कोई नहीं हो रहा. तो क्या कहते हैं, शुड वी कंटिन्यू और शुड वी स्टॉप? नहीं, लेकिन कंटिन्यू का फायदा तब होगा ना बेटा जब आप लोग उस पर टाइम लगाओ बाद में. अगर आपने टाइम नहीं लगाना और आपकी वो बता रहे हैं कि लैब में शायद 5-8 लोग ही थे, तो अगर इस तरह से 5-8 लोग ही हैं तो फिर दैट डज नॉट टेल मी के वी शुड कंटिन्यू. वो जो 5-8 लोग पढ़ना चाह रहे हैं उनको अलग से मैं कोई अरेंजमेंट कर लेता हूँ पढ़ाने की, बट वी नॉट होल्ड क्लास ओवर हियर एज इज. क्या ख्याल है? वो 5-8 लोग कौन थे जो कल थे लैब में हाथ खड़ा किया? तो ठीक है, इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड तो वो फिर हम कहता है यहाँ पे यूं क्लास नहीं करते, वी कैन अरेंज समथिंग एल्स. मे बी हम अगले सेमेस्टर में ही जब क्लासेस शुरू होंगी तो फिर कोई सेशन रख लेंगे, हफ्ते में एक दो दफा मिल लिया करेंगे. आप लोगों को भी इस वक्त छुट्टियों में आने की जरूरत नहीं है और उस वक्त मैं आप लोगों को करवा दूंगा. इतनी बड़ी क्लास तो है नहीं, ये 8-10 बंदे हैं, कर लेंगे. या यूं करते हैं, चलो मैं आज देखता हूँ, लेट मी गो थ्रू द लेक्चर टुडे एंड लेट सी हाउ मेनी पीपल अटेंड द लैब टुडे. अगर लैब में अटेंडेंस अभी भी उस थिन रहनी है तो फिर फ्रॉम टुमारो वी विल नॉट हैव द क्लासेस. फिर हम जो लोग इंटरेस्टेड हैं 8-10, ये फिर जब सेमेस्टर शुरू होगा तो आप आ जाना मेरे पास, विल मैनेज सम टाइम, उसमें हम कर लिया करेंगे. ठीक है, अगर क्लास की में अटेंडेंस बेहतर हुई और वी गेट अ फीलिंग के हाँ यार आप लोग इस चीज़ को वाकई ले रहे हो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट्स व्हाई यू आर डूइंग द लैब पार्ट आल्सो, तो फिर इंशाल्लाह कल भी मिलेंगे वरना कल नहीं मिलेंगे. अच्छा, नाउ कल विंडो कंपैरेटर का एक था जो मैंने आपको दिया था, जरा सोचना उस पर. तो हैव एनीबडी थॉट अबाउट इट? एनीबडी केम अप विद अ सॉल्यूशन? जी, कितने? अच्छा चलो आप बनाओ जरा. कोई ऐसा जिसने दो के साथ जो मैंने दो बनाए थे किया हो? अच्छा आप भी आ जाओ जरा, आप इधर भी बनाओ जरा तीन वाला सॉल्यूशन. इसमें भी कितनी डिफरेंट रखनी है? वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूछेंगे कि क्यों रखी है. बनाओ तो सही, आप यहाँ बनाओ ना सोल्यूशन. कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं है, ट्राई तो करो ना. तो थॉट प्रोसेस उनसे तो बेहतर हो तू जिन्होंने ट्राई नहीं किया. चलते हुए
आप जरा एक्सप्लेन कर दो ना कि किस तरह से ये काम करेगा। और ये आप लोग देखो बट ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन एंड देन यू टेल कि ये सर्किट काम करेगा या नहीं करेगा। हाँ जी सर, हमारे पास जब वोल्टेज VR1 से लेस हो तो इधर तो हमारे पास ना ये ED पॉजिटिव, ठीक है, तो ED पॉजिटिव होने की वजह से सर ये ओपन लूप ओपन ओपन कलेक्टर ये है तो ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, ठीक है। और इधर सर ये मेरे पास जब ट्रांजिस्टर होगा तो मेरे पास ईडी नेगेटिव आएगी, ईडी नेगेटिव आएगी, ठीक है। सर उसकी वजह से क्लोज एलोक्लोज बिहेव करेगा और सर इसमें मेरे पास इधर नेगेटिव होने की वजह से जो है मेरे पास नेगेटिव आउटपुट है। तो नीचे बना दो, नीचे बनाओ। ठीक है, उसके बाद सर जब माता जब VR1 से ग्रेटर और VR2 से लेस हो, VR1 से जब इसलिए जब इधर हमारे पास VR1 इधर मेरे पास पॉजिटिव ED आएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से ओपन कलेक्टर भी है, फिर ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, ठीक है। इसी तरह जब इधर हमारे पास आएगा तो इधर मेरे पास इधर भी पॉजिटिव बिहेव करेगा, इधर भी ED पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि VIN VR2 से कम है, कम है, और ED पॉजिटिव होने की वजह से ये भी ओपन बिहेव करेगा, ठीक है, और ये पुल अप रेजिस्टर की वजह से मेरे पास आउटपुट में ये प्लस आउटपुट होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर ओपन होंगे तो रजिस्टर में से करंट फ्लो करेगी ही नहीं, जब करेगी ही नहीं तो रजिस्टर में कोई ड्रॉप ही नहीं होगा और उस पॉइंट पे हमें प्लस 12 वोल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। बाद सर हमारे पास वोल्टेज VR2 से ग्रेटर हो जाएगा, इधर VR2 से ग्रेटर ये ओपन बिहेव करेगा, ये ईडी पॉजिटिव ही रहेगा तो ओपन बिहेव करेगा, इधर सर मेरे पास ये नेगेटिव हो जाएगी ईडी, उसकी वजह से नेगेटिव स्टेटस स्विच कर देगा, ठीक है। और फिर ये कब तक नेगेटिव रहेगा? जब तक VR2 दोबारा नहीं आ जाता, बनाए उसको। ये ठीक लगती है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, गुड, बैठो। तो यू सी अब सिंपल अरेंजमेंट थी, कोई बड़ा नहीं था इशू, बस आप देखें यार चार जो टर्मिनल मैंने कहा था कहाँ लगाना है, अच्छा, बट दिस इज वन सॉल्यूशन जो कल हमने ड्रॉ किया था और हमने कहा था कि देखें इस पे इशू सिर्फ यह है कि कहाँ पे वीन दें और कहाँ VR1 और VR2 लगाएं। तो नाउ यू सी दिस बिकम्स अ विंडो कंपैरेटर, ये इस विंडो के अंदर जब भी होगी सिग्नल आउटपुट इस लेवल पे है हाई, अदरवाइज आउटपुट लो है आपकी। जी आपका रिमेंबर के डिजाइन में यू कैन अचीव द सेम पर्पस विद मल्टीपल ऑप्शंस, तो वो तो एक टू ऑप एम्प के साथ ठीक है। नाउ लेट अस सी, हो सकता है ये डिजाइन भी ठीक हो, बट लेट अस सी। जी स्टार्ट में जब दोनों जीरो से स्टार्ट करेगा, ये दोनों पॉजिटिव देंगे, ये 11 देगा, 11 पॉजिटिव और ये प्लस 10 देगा स्टार्ट। अच्छा, अब ये 11 इधर जाएगा, 11 इधर जाएगा, ठीक है, और इधर 10 आएगा, ठीक है, ईडी होगा माइनस 1 तो आउटपुट हमारी माइनस आ जाएगी, ठीक है। जब ये 3 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 11, माइनस 11 यहाँ पे माइनस 11 चला गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे 10 ही रहा, ठीक है, क्योंकि ईडी पॉजिटिव है वहाँ पे, तो ईडी पॉजिटिव हो जाएगा फिर पॉजिटिव आ जाएगी, 3 से जैसे ही क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, जब 7 को क्रॉस करेगा तो -12 चली जाएगी, ठीक है, जो ईडी होगा वो -1 हो जाएगा, तो एकदम वो माइनस में शिफ्ट करेगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग, ये भी ठीक है डिज़ाइन, द ओनली थिंग बैठो आप गुड, मतलब ये भी डिज़ाइन ठीक है, गलत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकली प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप इतनी डिफरेंट सप्लाई आपको चाहिए 10 प्लस 10 प्लस 11 माइनस 11 माइनस 12, ये इतनी ज़्यादा सप्लाईज बनाना मुश्किल होता है, लेकिन अदरवाइज
हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। वोल्टेज डिवाइडर जब आप लगाते हैं ना, तो उसमें इशू ये आता है कि कभी करंट ज़्यादा खींचेगा और ऑप एम्प कभी कम खींचेगा। तो जहाँ पे आप यहाँ 10 चाह रहे हो, उसमें 10 से भी ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, तो रेगुलेशन वाली प्रॉब्लम आएगी अगर आप वोल्टेज सप्लाई डिवाइडर से बनाए तो। तो इसलिए नॉर्मली जो स्टैंडर्ड पावर सप्लाईज समझी जाती हैं वो ये होती है जी, 5 वोल्ट हो गई, 9 वोल्ट प्लस माइनस हो गई, 12 वोल्ट प्लस माइनस हो गई, 5 वोल्ट प्लस माइनस हो गई, नॉर्मली ये सप्लाइयाँ चलती हैं। बहरहाल गुड एफर्ट, डिज़ाइन इंटरेस्टिंग है कि जी हाँ, अगर मल्टीपल पावर सप्लाई हो तो ये चीज़ काम कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, पहला प्रॉब्लम। सो द आइडिया वाज जस्ट टू गिव यू फील के यार हाँ वो भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। उसमें प्रैक्टिकली पावर सप्लाईज का इशू है, 3 ऑप एम्प लग रहे हैं, इसमें 2 ऑप एम्प लग रहे हैं, पावर सप्लाई का कोई इशू नहीं, स्टैंडर्ड पावर सप्लाई है। सो दिस इज यूजुअली द सर्किट विच इज यूज टू गेट दिस विंडो कंपैरेटर। अब विंडो कंपैरेटर की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, सपोज करो कि जैसे अगेन मैं मिसाल दूंगा, घर में जो लाइट आती है आपकी 220 वोल्ट स्टैंडर्ड आती है, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती है। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाए तो आपकी डिवाइसेस जल जाएंगी, अगर बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज हो जाए तो आपके एसी वगैरह ट्रिप कर जाते हैं। तो आप यहाँ पे ये जो वी इन है, यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि ये जो पीछे से वापस की 220 आ रही है इसे लें, जैसे मैंने कल भी बताया था, ट्रांसफार्मर लगाएं, ट्रांसफार्मर लगा के इसको बेशक आगे डीसी बना लो, रेक्टिफायर लगाओ यहाँ पे, रेक्टिफायर आगे कैपेसिटर लगा के ये आपकी एक डीसी वोल्टेज सोर्स बन जाता है। और यहाँ कोई एक रजिस्टर सा लगा दे, अब अगर आप इसको ग्राउंड करके इसे यहाँ दे दो, तो अगर तो यहाँ 220 है और फॉर एग्जांपल आपने डिज़ाइन किया है कि 220 पे यहाँ आपको लेटर से 12 वोल्ट मिल जाएंगे, आप अगर ये वोल्टेज कम ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू कम ज़्यादा होगी। अब बजाय 12 के, क्योंकि हमारी ये सप्लाई 12 है, तो लेटर से हम यहाँ 6 वोल्ट की सप्लाई रखते हैं, 220 पे 6 वोल्ट आ रहे होंगे, सपोज करो कि 250 के ऊपर जाके ये लेटर से 7 वोल्ट हो जाते हैं, और 190 पे जाके यहाँ पे आपको लेटर से 4.5 वोल्ट मिल जाएंगे। तो अब आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे VR1 सेट कर दो 4.5 वोल्ट पे और इसको सेट कर दो 7 वोल्ट पे, अब आपको सर्किट मिल गया। यहाँ आगे आप बेशक एक लाइट लगा दें, कोई रिले से ऑन करा लें, कोई बदर लगा लें, तो अब जब तक वोल्टेज इस रेंज में रहेगी, सेफ रेंज है, यू विल बी ओके, आपको इंडिकेशन मिलती रहेगी कि वी आर सेफ। अगर ये इस रेंज से बाहर जाएगी 250 से ऊपर या 190 से नीचे, तो अगेन आपको आउटपुट के ऊपर आउटपुट स्विच करेगी और आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि लो जी सेफ रेंज से वोल्टेज निकल गई है, जो भी करना है कर लें आप। तो इसी तरह से जहाँ पे भी आपने एक रेंज में वेरिएबल है या नहीं ये डिसाइड करना हो, वहाँ पे ये विंडो कंपैरेटर बड़ा अच्छा काम करता है। अच्छा नाउ एक और चीज़ मैंने आप लोगों को कही थी, क्या कही थी, वो जो विंडो नहीं, वो जो बनाया था हिस्टेरेसिस वाला, उसमें मैंने कहा था कि डायोड वगैरह लगा दें, क्या था वो सर्किट, कोई है किसी के पास बना हुआ? हाँ जी, ये मैंने कहा था कि ये एक अगर हम बनाए कंपैरेटर विद हिस्टेरेसिस, जिसमें यहां हम वी इन देंगे, वी आउट, यहां पे रजिस्टर लगा दिया था एन आर आर, यहां पे एक वी रेफ और इसको हमने कर दिया एम आर, और ये वोल्टेज इधर। मैं कहता इसका कोई अगर हमें कहे एनालिसिस करे
तो एनालिसिस क्या करेंगे? एनालिसिस यही करेंगे जी, शुरू में इसको देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है तो इट इज़ कंपैरेटर, इसकी आउटपुट या प्लस वीसीसी होगी या माइनस वीसीसी होगी। अब हमें निकालना यह है कि इनपुट की किस वैल्यू के ऊपर आउटपुट हाई हो जाएगी और इनपुट की किस वैल्यू के ऊपर आउटपुट लो हो जाएगी। उसके लिए हम एलटीपी और यूटीपी की वैल्यू निकालें, लोअर ट्रिगर पॉइंट क्या है, अपर ट्रिगर पॉइंट क्या है। तो निकालें, किसी ने किया इसको अटेम्प्ट? वी यहाँ था, वी वहाँ था। अच्छा ये ग्राउंड था, वो कह रहे हैं इधर भी रेफरेंस था, यहाँ वी इन था, यहाँ वी इन था, तो यहाँ क्या था? चलो ग्राउंड में तो रेफरेंस ही है ना, आप इसको बिल्कुल वोल्टेज समझ लो ना कि हमारा इन जनरल यहाँ वी रेफरेंस है जिसकी वैल्यू जीरो दे दी तो ग्राउंड हो गया। इसे किसी ने एनालिसिस किया? एक स्टूडेंट ने, और ये आपने भी, आओ करो दिखाओ जरा कैसे किया, ये ले लो आप, इसको कुछ मिटा दें। चलो ग्राउंड के साथ कर दें यार, कोई मसला नहीं। आइडिया इसके जस्ट मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से इसका एनालिसिस करोगे, बस आपको वो एनालिसिस करना आना चाहिए, बाकी तो री रेफरेंस हो ग्राउंड, फर्क नहीं पड़ता। जी वी वन इज इक्वल टू वी इन प्लस एम आर आई टू, और राइट वी वन इज इक्वल टू आर आई वन। अच्छा ठीक है, सिर्फ ये कि फॉर एलटीपी नहीं, हमें नहीं पता, हम तो कह रहे हैं कि यार अभी देखें ये क्या। प्राइमरली आपने यहाँ पे ये कहा है कि चूंकि हमें पता है कि इसकी आउटपुट या प्लस वीसीसी होनी है या माइनस वीसीसी होनी है, तो ही इज स्टार्टिंग विद द केस कि जी लेट अस अज्यूम इसकी आउटपुट प्लस है। तो अगर इसकी आउटपुट प्लस वीसीसी है तो हम इक्वेशन लिखें कि इस वी वन की इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इज हाउ वी शुड गो। और फिर हम कहेंगे कि यार वो उस इक्वेशन जो बनेगी वी वन की, उसमें हम कहेंगे कि वी वन किस वक्त जीरो पे पहुंचेगा, जब पहुंचेगा तब वो पॉइंट आ जाएगा। चले, लेकिन आई वन जीरो कैसे हो गया? सर आई वन जीरो ऐसे हो गया सर, जब हमने ये प्रेजम्पशन की कि वी वन और वी रेफरेंस जब बराबर होंगे, यानी कि जब एडी जीरो होगा, एडी जीरो तब होगा जब वी वन और वी रेफरेंस बराबर होंगे। ठीक है, वी रेफरेंस जीरो है, जीरो लेकिन यहां पर तक जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, आई टू विल बिकम इक्वल टू आई, जी जी नहीं ये वही ना, इक्वल नहीं है, ही हैज टेकन दैट राउट। मैं जैसे कहा कि होना ये चाहिए था कि हम कहते हैं कि जब यहाँ पे वी सी सी आएगी उस वक्त यहाँ पे वी वन वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, जब एक्सप्रेशन निकल आए तो फिर हम कहते हैं कि अब अगर वी वन इक्वल टू जीरो हो उस वक्त वी इन क्या होगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिगर। लेकिन इन्होंने यूं नहीं किया,
इन्होंने ये कर दिया कि जी शुरू ही वहां से हुआ कि अच्छा यहाँ जीरो कब होगा, तो जब जीरो होगा तो क्योंकि यहां भी जीरो है तो यहां करंट कोई नहीं जाएगी, करंट जो यहां से आएगी वो आगे चली जाएगी। दिस इज हाउ ही हैज स्टार्टेड। लेकिन ये आपने नीचे गलत लिखा है, यहां तक तो ठीक है जो आई आएगी वही आई टू बन जाएगी, लेकिन यहां से ये कैसे आया कि आई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी एन। जब ये बराबर हो जाएंगे सर, ये जो सर एक्चुअली शॉर्ट है तो ये सीरीज में आ जाएंगे, वी सी सी माइनस वी एन डिवाइडेड बाय, सर ये जो करंट होगा वोल्टेज डिफरेंस में। ठीक है, एक लेवल कि इस लेवल से ऊपर आया या नीचे आया इनपुट सिग्नल, विंडो कंपैरेटर बेसिकली वोल्टेज की एक विंडो बना देता है। से अगर हमारा ये साइन वेव थी और मैं यहां पे एक विंडो बना दूं, मैं ये चाह रहा हूं कि जब इस विंडो से अंदर हो सिग्नल तो आउटपुट एक लेवल पे हो, और जब इस विंडो से बाहर निकले तो आउटपुट एक डिफरेंट लेवल पे हो जाए। इन अदर वर्ड इस केस में मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी आउटपुट जो है वो इस तरह से आए, जब इस रेंज से बाहर हूं इस वक्त मेरी आउटपुट हाई हो, अदरवाइज जब इस विंडो से बाहर हूं तो लो, फिर इस विंडो के अंदर हूं हाई, फिर इस विंडो से मैं बाहर निकल गया, पूरा यहां से लेके यहां तक अगेन विंडो से बाहर हूं आउटपुट लो, फिर यहां से लेकर सिग्नल जब मेरा यहां तक चलता है इस विंडो के अंदर अंदर आउटपुट हाई, फिर जब इससे बाहर निकला फिर लो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड विंडो कंपैरेटर, कि आपने एक लेवल नहीं दिया, आपने दो लेवल दे दिए कि इस इन दोनों लेवल के दरमियान अगर वोल्टेज होगी तो आउटपुट एक लेवल पे होगी, अगर इससे बाहर हो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो तो एक और लेवल पे होगी। ये कैसे बनाए, सपोज करो इसको मैं कह देता हूं V1, ये वोल्टेज लेवल V1 है, VR1 कहते हैं कि रेफरेंस वैल्यू 1 और ये VR2। नाउ वन कुड सी के बेसिकली यहां पे दो डिफरेंट लेवल मैंने कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर मैं उस तरह के दो सर्किट लगा दूं, अच्छा दो सर्किट लगाए कैसे लगाए, प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर मैं से यहां पे दे देता हूं VR1 लेट मी जस्ट से देखते हैं होता क्या है, यहां मैं ले दूं VR2, और इन दोनों को मिला दूं और यहां पे मैं दूं VN, लेट अस सी क्या होगा। फर्ज करो यहां से चलना शुरू हुआ सिग्नल, अभी मैं इस पे नहीं आ रहा कि यार दो आउटपुट कैसे है, हमें तो एक आउटपुट चाहिए जो हमें ये थे, अभी तो ये दो आउटपुट है, दो आउटपुट को आपस में मिला के कोई एक आउटपुट निकालेंगे कैसे निकालें, पहले तो देखें सही सर्किट काम करेगा भी कि नहीं करेगा, कौन मुझे बताएगा, एनी वॉलंटियर, कोई वॉलंटियर नहीं, ठीक है मैं फिर खुद पिक एंड चूज कर लेता हूँ, पहले यार आप बताओ बेटा। देखो आई नो कि आप लोग सीख रहे हो तो डोंट हेजिटेट, गलती हो जाएगी सीखते हुए लेकिन चले तो सही ना,
जब तक आप चलना ही शुरू नहीं करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, कहीं भी नहीं। चलना तो शुरू करो। थिंक अबाउट इट, हम यहाँ पे हैं इस वक्त 0.1 वोल्ट है इस जगह के ऊपर। ऐसे ऐसे इनपुट्स पे चलना शुरू करें, जब यहाँ पे 0.1 वोल्ट है इसकी ईडी क्या होगी? वो तो ड्रॉ किया है ना भाई, इसको ले लो। लेट अस से ये पीक वैल्यू इसकी 10 वोल्ट पे जा रही है, ये जो है चलो 7 वोल्ट है, ये लेट अस से 3 वोल्ट है, क्योंकि जीरो से तो ऊपर ही है ना। तो इस हाँ क्या माइनस हो जाएगी? नहीं नहीं, कितनी हो जाएगी? माइनस 2.9। आउटपुट क्या होगी इसकी? ठीक है, तो चलो क्या देते हैं, नेगेटिव 12 पे हो जाएगी। ठीक है, इसकी आउटपुट क्या होगी? इसकी प्लस 12 आ गया। लेकिन ये तो सिर्फ उसका काम नहीं कर रहा। हम तो तब चाहते थे ना कि जब यहां पे हम हो तो आउटपुट शुड स्टे लो, क्योंकि हम इस रेंज से बाहर हैं। ये तो लो आ गया, ये लो नहीं आ रहा। इसको लो लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? वो कह रहे जी अगर मैं इसको नेगेटिव पे देके से पॉजिटिव दे दूं क्या अब काम चलेगा? अब यहां 0.1 वोल्ट, यहां पे वो VR2 7 वोल्ट, ईडी क्या होगी? तो आउटपुट क्या होगी इसकी? -12। तो ये तो लगता है काम शायद चल जाए। अभी देखते हैं कि बाकी ये काम चलेगा। अब इसके बाद इसका मतलब है हम यहां पे रहे, यहां पे रहे, यहां यहां यहां, यही सिनेरियो रहेगा। दोनों के आउटपुट नेगेटिव आती रहेगी। जब हम इस जगह पहुंचेंगे तो क्या होगा? फर्ज करो यहां पे इनपुट सिग्नल 3.2 पे पहुंच गया, इसकी आउटपुट क्या आएगी? पॉजिटिव, और इसकी नेगेटिव। चलो दोनों में से एक तो पॉजिटिव हुआ, हमें भी आउटपुट पॉजिटिव चाहिए। देखेंगे दोनों में से कैसे आउटपुट पॉजिटिव निकालें। यही करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। अब जब यहां पहुंचे तो क्या हुआ? दोनों पॉजिटिव हो गए, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए था आउटपुट के ऊपर, नहीं चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था। फिर और कुछ कर सकते हैं इसके साथ? चलो इंटरेस्टिंग आइडिया है कि इसके आगे गेट्स लगाए जा सकते हैं। गेट्स जो हम लगाए TTL गेट्स लगाए, वो किस लेवल पे लेते हैं सिग्नल? हाई क्या होता है उनका, लो क्या होता है? हाई वोल्ट पे हाई होता है। ये अब देता है जब हाई तो +12 दे देता है, ये जब -12 देता है जब लो हो जाता है। आप ये चाहेंगे कि जब ये +12 मिले तो आपको आगे TTL लेवल +5 वोल्ट मिले, और जब -12 मिले तो 0 वोल्ट मिले, तभी हम सिग्नल दे सकेंगे ना किसी गेट को। ये लेवल कैसे ले इनसे? नहीं, मसला नहीं है, हल है इसका। सोचो इसका क्या सर्किट लगाए कि ये चीज हमें मिल जाए। कौन सी LM? क्या? हाँ नहीं बताओ, LM 324 लगा दे,
वोल्टेज रेगुलेटर लगा दे वो भी हो सकता है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, वो भी हो सकता है कि आप लगा दें. उसमें इशू एक और आएगा, वोल्टेज रेगुलेटर इतनी क्विकली अपनी आउटपुट चेंज नहीं करते. ये सिग्नल जब फौरन गिरेगा ना तो आउटपुट थोड़ी देर बाद जाके गिरती है उसकी. उसका सिर्फ ट्रांजिशन टाइम जो है ना हाई टू लो का, वो इतना क्विक नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट मेंट फॉर सिग्नल कंडीशनिंग. वो तो पावर सप्लाई के लिए होता है. और यार निकलाएंगे, सोचो तो सही जरा. पहली चीज ये करो कि समहाउ ना प्लस वोल्टेज आगे जाने दो, नेगेटिव आगे जाने ही ना दो. डायोड लगा दो. अब प्लस आएगा 12 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 12 यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. लेकिन अब 12 है उसको 5 पे लेके आना है. डिवाइडर लगा दे, ये लो. नाउ वॉन्ट इट वर्क? जब यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट आएंगे, यहाँ पे आए, आपने डिवाइडर लगाया हुआ है, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिल जाएंगे. इनकी वैल्यू एडजस्ट कर लें. हाँ बेटा, लगा ही देते हैं यार. एक सेवन एट जीरो फाइव, ये इसकी वी आउट, ये वी इन. इसकी वी इन के ऊपर जब आप ये सिग्नल दोगे ना, प्लस 12 माइनस 12, तो इसकी जो वी आउट है जब प्लस 12 आएंगे तो आउटपुट पे आपको प्लस 5 वोल्ट मिल जाएंगे. जब ये नेगेटिव जाएगा ना तो आउटपुट फौरन नेगेटिव नहीं जाएगी, जीरो पर ही जाएगी. ये आउटपुट यूं करके जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो आउटपुट के ऊपर फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है वो कैपेसिटर आस्ते आस्ते डिस्चार्ज करेगा. तो आपको अगर ये फौरन ठक करके चाहिए कि मुझे जीरो मिल जाए, जैसे यहाँ पे प्लस 12 से माइनस 12 मिला है, ये आपको नहीं मिलता, बिकॉज दिस सर्किट इज नॉट डिजाइंड टू डू दिस. ये तो पावर सप्लाई है, ये तो आउटपुट जब तक 12 वोल्ट आ रही है 5 वोल्ट देता रहेगा. जब आउटपुट कम हो जाएगी जीरो पे, तो ये अपनी आहिस्ता आहिस्ता जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इसका डिस्चार्ज होकर जीरो पे चला जाएगा. इसलिए ये इन कामों के लिए नहीं लगते, सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए. लेकिन अब देखो एक सिंपल सा, एक तो ये सर्किट है, प्लस 12 दिए, 12 आगे आ जाएंगे, ये डिवाइडर डिवाइड करके इसको 5 वोल्ट दे देगा. जब माइनस 12 आएंगे तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी इस जगह के ऊपर, इसमें कोई ड्रॉप होगा ही नहीं, तो यहाँ पे जो जीरो वोल्टेज है वो यहाँ पे जीरो वोल्टेज मिल जाएगी, तो हमें ये सिग्नल मिल जाएगा. दिस इज व्हाट वी कैन डू. दूसरा इसका तरीका ये है कि अगर आपने 5 और 0 ही लेना है, तो फिर आप बजाय यहाँ पे ऑप एम्प वो लगाएं जो डुअल सप्लाई ऑप एम्प है, आप लगाएं ही वो जो सिंगल सप्लाई ऑप एम्प है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे प्लस वोल्टेज देगा और यहाँ पे ये आपको क्लोज टू जीरो वोल्ट देगा. फिर आपको यहाँ पे ये चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. अब आप यहाँ प्लस 12 की बजाय इसको प्लस 5 वोल्ट दे दें, तो जब ये सैचुरेट करेगा तो ये प्लस 5 के पास आ जाएगा, जब नीचे जाना होगा तो ये जीरो के पास चला जाएगा. दैट इज अनदर वे टू डू इट. ठीक है जी. अच्छा, अब एक ये जो अभी हम विंडो कंपैरेटर की बात कर रहे थे, इसमें एक और जो एक नया आइडिया है, ये होते हैं ओपन कलेक्टर. मैंने कल जिक्र किया था ओपन कलेक्टर आउटपुट ऑप एम्प्स. इनमें आउटपुट के ऊपर बजाय टोटम पोल आउटपुट के
जो हमने लास्ट टाइम देखी थी। मैंने आपको बताया था कि एक आम ऑप एम्प की आउटपुट यू होती है, जब आउटपुट पे हाई आना हो तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है और आउटपुट के ऊपर यही वोल्टेज आ जाती है। जब लो आना हो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है, ये ऑन हो जाता है और आउटपुट ये वाली आ जाती है। जो ओपन कलेक्टर होते हैं उनमें सिनेरियो ये नहीं होता, उनमें सिनेरियो जो होता है वो ये होता है कि ये ट्रांजिस्टर होता ही नहीं और यहां पे ये ट्रांजिस्टर लगा होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट सिंबल इसका भी यही बन गया। जब यहां पे वोल्टेज जीरो से ज्यादा होगी या इस रेफरेंस से ज्यादा होगी, ईडी विल बिकम पॉजिटिव। जब ईडी पॉजिटिव होगा तो बेसिकली ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। तो ईडी पॉजिटिव इट मींस ट्रांजिस्टर ऑफ, और जब ईडी नेगेटिव होगी तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। अब जब ये ट्रांजिस्टर ईडी नेगेटिव हुई, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, तो यहां पे क्या वोल्टेज आएगी? ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, यही वोल्टेज बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये जब ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो इट इज जस्ट लाइक अ शॉर्ट वायर, तो आउटपुट के ऊपर आपको यही वोल्टेज मिल जाएगी। तो आपके पास वी आउट जो है दैट विल बिकम माइनस वी, यानी नेगेटिव साइड पर सैचुरेट कर देगा, जैसे आम में भी करता है। इशू ये है कि जब ये ईडी पॉजिटिव होगी, ट्रांसफर हो गया ऑफ, तो आउटपुट वोल्टेज आएगी क्या? व्हाट इज वी आउट? जब ट्रांसफर ऑफ हो गया इसका मतलब है इस तार का तो किसी के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो जस्ट सिंगल हवा में तार लटक रही है। इस पर आप वोल्टेज लगाना चाहेंगे, आपको क्या वोल्टेज मिलेगी? असल में कुछ भी नहीं, वोल्टेज क्या मिलेगा? वो तो तार ही हवा में लटक रही है। इसलिए अगर ऐसे जो ओपन कलेक्टर आउटपुट आपके ऑप एम्प होते हैं, अगर आप उनसे सिर्फ ऑप एम्प से डायरेक्टली आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे, तो चूंकि ये तो अंदर से ओपन कलेक्टर है, ये आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जब ईडी पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए आपको एक पुल अप रेजिस्टर लगाना पड़ता है, इसे हम कहते हैं पुल अप रेजिस्टर। और यहां पे आप कोई सप्लाई लगा देते हैं, प्लस 5 लगा दो, प्लस 10 लगा दो, प्लस 15 लगा दो। इस सप्लाई का जो आपने यहां पे सप्लाई दी हुई है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहां पे आपने मे बी प्लस 12 और माइनस 12 दिया हो, यहां पे आप प्लस 5 दे दें, 20 वोल्ट्स दे दें, 25 वोल्ट्स दे दें। उस ऑप एम्प की डाटा शीट के अंदर बताया गया होता है कि यहां पे आप मैक्सिमम कितनी वोल्टेज लगा सकते हैं, 30 वोल्ट दे दें। नाउ जब इसके साथ यहां पे अब मैंने अगर ये प्लस 5 वोल्ट लगा दिए और साथ रजिस्टर लगा हुआ है, तो यहां से जो मैं आउटपुट ले रहा हूं, आप बता सकते हो कि जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा यहां पे क्या वोल्टेज आएगी? यही वोल्टेज आपने यहां लगाई है, तो यहां पे आपको ये 5 वोल्ट मिल जाएंगे। तो एक तरीका ये भी है, और इस तरह का एक कंपैरेटर, उसका नंबर है LM339। ये एक 14 पिन का पैकेज है जिसमें 4 कंपैरेटर्स हैं इसी तरह के, और ये आपको ओपन कलेक्टर आउटपुट देता है। उसका एक फायदा यह है कि आप यहाँ पे अगर कोई और वोल्टेज आउटपुट पे लेना चाहें अदर देन प्लस 12 और माइनस 12, तो आप ले सकते हैं। अब ये अगर आप लगा लोगे यहाँ पे तो आपको आउटपुट में 5 वोल्ट मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव पे आपको प्रॉब्लम है, नेगेटिव पे आपको VEE मिल रहा है। अगर आपने आगे TTL सर्किट को देना है तो ऑफ कोर्स फिर हम यू नहीं आगे दे सकते, फिर क्या करें? फिर जो यहाँ किया था
यानी अगर मैंने इसको LM 339 लगा दूं और यहाँ पे प्लस 12 और माइनस 12 वोल्ट लगे हुए हों, यहाँ पे अगर मैं प्लस 5 वोल्ट के साथ एक पुल अप रेजिस्टर लगा दूं, तो मुझे पता है कि यहाँ मुझे वोल्टेज मिलेगी प्लस 5 और माइनस VEE। अब उसको खत्म करने के लिए आप डायोड लगा दें, तो जब यहाँ प्लस 5 वोल्ट आएंगे वो तो आपको मिल जाएंगे, जब यहाँ माइनस VEE आएगा डायोड ओपन हो जाएगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरह से छोड़ना कभी भी आउटपुट को अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब आपका डायोड ऑफ होगी तो इट इज अगेन अ फ्लोटिंग वायर। ये टिपिकली आपको जीरो वोल्ट ही देगा, ये फ्लोट कर रहा है, इट नीड्स टू बी पुल्ड डाउन। उसके लिए फिर आप ये करते हैं कि जब ये डायोड ओपन होगी तो ये पॉइंट इस रेजिस्टर के थ्रू ग्राउंड हो रहा है और यहां पे आपको जीरो वोल्ट मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड जब ये डायोड कंडक्ट करेगी तो अब क्या यहां आपको 5 वोल्ट मिलेंगे? ये डायोड जब कंडक्ट करेगा तो ये पोटेंशियल डिवाइडर बन गया, अब यहां आपको 5 वोल्ट ही मिलेंगे। अब अगर हम 5 वोल्ट भी लेना चाहते हैं और 0 वोल्ट भी लेना चाहते हैं तो क्या करें? इस डिवाइडर के वैल्यूज बदलने हैं। लेट अस से इफ आई मेक इट 100 के 1 के, जब डायोड कनेक्ट नहीं करेगा यहां 0 वोल्ट मिल जाएगा, या डायोड कनेक्ट करेगा तो ये दो पोटेंशियल डिवाइडर तो बन गया है लेकिन इसकी वैल्यू 100 के है, इसकी वैल्यू 1 के है, तो ये स्टिल आपको 5 वोल्ट से बहुत करीब मे बी 4 point something वोल्ट दे देगा और आपका काम हो गया। अच्छा, अब ये ओपन कलेक्टर का जो एक और फायदा है, वो जो हम विंडो कंपैरेटर की बात कर रहे थे, अगर इसकी तरफ आए नाउ कीपिंग इन माइंड कि इनके अंदर ओपन कलेक्टर है, यानी असल में इफ आई रीड्रॉ इट, असल में ये जो आउटपुट है इसके साथ एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और दोनों की आउटपुट ओपन कलेक्टर है। अच्छा जी, अब यहां जो हमने किया था कि VR1 अगर हम यहां पे दें तो हमें पता है कि जब तक इस पॉइंट पे वोल्टेज इस रेफरेंस से कम होगी ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, आउटपुट पे माइनस VEE आ रही होगी। जब ये इससे बढ़ेगा यहां पे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होने से यहां पे क्या वोल्टेज आएगी? कुछ भी नहीं। अलबत्ता अगर मैंने आगे इसका पुल अप रेजिस्टर लगा दिया हुआ तो अब मुझे यहां पे 5 वोल्ट मिल जाएंगे, यानी हाई लेवल मिल जाएगा। प्लस 5 लगा लें, प्लस 15 लगा लें, व्हाटएवर, ये आपको हाई लेवल ये मिल जाएगा। व्हाट अबाउट द अदर साइड? जो पहले भी हमारा इशू था, अदर साइड पे क्या करें? VR2 कहां लगाएं और ये सिग्नल कहां टाई अप करें? कोई आइडिया?
पॉजिटिव पे वी आर टू दे दे, आप बताएं क्या ये काम करेगा? इज इट राइट? तो इन्होंने बताया, करो तो सी एनालिसिस यार खुद अपने दिमाग में, ये अब क्या देगा आउटपुट जब मैं इस विंडो से बाहर हूं, जब मैं 3 वोल्ट से नीचे हूं, वी आर वन से नीचे हूं, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? इस वक्त कुछ भी नहीं होगी अनलेस कि मैं इसके साथ पुल अप लगा दूं। क्या पॉजिटिव होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी ना, जब इनपुट वोल्टेज वी आर वन से कम है तो आउटपुट नेगेटिव आनी चाहिए थी, वो तो नहीं आ रही। जाग रहे हो भाई, तो कुछ तो बोलो यार, क्या कोई तो आइडिया हो, कोई टामुक टोगियां लड़ाई जाए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हाँ आप सही कह रहे हो, अगर हम ये कहें इफ यू वांट टू टेक दैट राउट के जी यहाँ जो मर्जी आने दें, आगे मैं एक कम्बिनेशन सर्किट बना लूंगा और उसके मुताबिक मैं आउटपुट ले लूंगा, तो यस वी कैन डू दैट। लेकिन द पॉइंट इज कि क्या दैट इज द ओनली वे, क्योंकि आपको उसमें एक्स्ट्रा आईसीज लगाने पड़ेंगे, क्या उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे? सॉरी मैं नहीं समझा, क्या क्या आपने? ये अब ठीक है, काम जो होना चाहिए वही होगा। जब यहाँ पे हमारे पास 3 से कम वोल्टेज लेवल होगा तो ऑफ कोर्स इसकी आउटपुट नेगेटिव होगी, इसकी आउटपुट भी नेगेटिव होगी। जब हम 3 और 7 के दरमियान में कहीं होंगे, इसकी आउटपुट पॉजिटिव होगी क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हो जाएगा, इसकी आउटपुट क्या होगी? फिर कोई मसला, अगर मैं इससे ऊपर निकल जाऊं, 7 से ऊपर निकल जाऊं तो क्या होगा? दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। बीच वाले सर्किट में क्या किया जाए? यानी हमें यह नजर आ रहा है कि जब 7 से ऊपर है तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, 7 से ऊपर हैं तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, जब 3 से नीचे हैं तो दोनों ही नेगेटिव हैं। यानी दोनों का बिहेवियर एक ही जैसा है विंडो से बाहर बाहर, विंडो के अंदर प्रॉब्लम है। अच्छा चलो ये ना, आई लीव इट यू टू थिंक ओवर इट। अभी शायद फौरन आप लोग नहीं क्विकली रिकॉल कर पा रहे, बट यू आर गेटिंग सर्टन आइडियाज कुछ सुनने में आ रहा है। आई वुड से ड्रॉ दिस थिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ट्राई टू सी कि यार क्या करें। एक मैं आपको आइडिया देता हूँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं ओपन कलेक्टर में, वो आप हमेशा ये कर सकते हैं कि बजाय 2 अलग पुल अप लगाने के आप इन दोनों को टाई अप कर सकते हैं यू। इससे होता सिर्फ ये है कि अगर इन दोनों में से एक भी ट्रांजिस्टर ऑन हो या दोनों ऑन हो तो रिजल्ट एक ही रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज हमेशा यही आएगी माइनस ई।
अगर एक ट्रांजिस्टर ऑन हो या दोनों ऑन हो, रिजल्ट इज ऑलवेज द सेम। जब ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ होंगे, सिर्फ उस वक्त यहां पे आपको ये हाई मिलता है। तो ये ओपन कलेक्टर का फायदा सिर्फ ये है कि आम ऑप एम्प की तरह अगर आपने इनकी आउटपुट को टाई कर दिया होता और एक आउटपुट पॉजिटिव दे रहा होता, दूसरा आउटपुट नेगेटिव दे रहा होता, तो प्रॉब्लम हो जाती। दो तारों को हम ला नहीं सकते, एक यहां पे प्लस 12 दे रहा हो, दूसरा माइनस 12 दे रहा हो, तो वो तो शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन जहां पे आपको दो ऑप एम्प की आउटपुट आपस में टाई अप करनी हो, मिलानी हो, वहां पे फिर ओपन कलेक्टर स्ट्रेटेजी जो है ये बेस्ट सूटेड है। उसकी वजह से होता क्या है कि अब अगर एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा तब भी यहां माइनस वी ई आएगा, अगर दोनों ऑन होंगे तब भी यहां माइनस वी ई आएगा। अलबत्ता जब दोनों ऑफ होंगे सिर्फ उस वक्त यहां पे प्लस ये वाली वोल्टेज आएगी। तो इस चीज को जहन में रखते हुए देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, इसका वी आर वन यहां दे दें या यहां दे दें, इसका यहां दे दें या यहां दे दें। आई मीन जस्ट ट्राई टू डू इट एंड सी कि क्या हमें कोई ऐसा बिहेवियर मिलता है जिसमें कि विंडो के अंदर एक आउटपुट आए और विंडो के बाहर एक आउटपुट आए, चाहे लेट अस सी ये रोल रिवर्स हो जाए। हमें तो असल कंसर्न ये है कि विंडो के अंदर अगर हो तो हमें एक लेवल पे वोल्टेज मिले आउटपुट पे, विंडो से बाहर हो तो एक लेवल पे मिले, चाहे बीच में हाई मिले बाहर लो मिले, या इसका रिवर्स हो कि विंडो के अंदर मुझे लो मिले विंडो के बाहर हाई मिले, कुछ भी हो। आई जस्ट वॉन्ट कि मुझे इंडिकेशन मिल जाए विंडो से अंदर हूं या बाहर हूं। अंदर हूं तो आउटपुट लेट अस से पॉजिटिव हो जाएगी, आउटपुट नेगेटिव हो जाएगी अगर बाहर हूं, या इसका उल्टा कर लो, बाहर हूं तो पॉजिटिव है आउटपुट, अंदर हूं तो नेगेटिव हो। तो ट्राई टू प्ले विद इट एंड सी कैन यू डू इट, एंड यू कैन डू इट, ऑफकोर्स पॉसिबल है। तो सोचो करना कैसे है। तो दैट इज एक्सरसाइज फॉर यू। कल आई होप टू गेट सम आंसर्स फ्रॉम यू पीपल कि यार विंडो का बेटर बनाना है जो कि एक सर्टन विंडो के अंदर वोल्टेज हो तो सर्टन आउटपुट देगा, विंडो से बाहर हो चाहे विंडो से नीचे हो या विंडो से ऊपर हो वोल्टेज, एक डिफरेंट लेवल में आउटपुट मिलेगा। अच्छा, विद दिस अ लिटिल बिट एक्सरसाइज फॉर यू। अब हम आगे चलते हैं कि कंपैरेटर्स की हमने भी बात की, ये जो ओपन लूप कंपैरेटर, बिल्कुल इसमें मुझे एक बात बताएं, एसी का थर्मोस्टेट आपने एक लेवल सेट किया कि टेम्परेचर इस लेवल से नीचे गिरे तो एसी ऑन हो जाए, नहीं उल्टा हो जाएगा। जब लेट अस से 26 डिग्री सेट किया हुआ है तो 26 डिग्री से जब ऊपर होगा टेम्परेचर तो एसी ऑन हो जाएगा, कूलिंग होगी, टेम्परेचर नीचे आएगा, जब 26 से नीचे जाए बंद हो जाए। अब ये करने के लिए हम सर्किट क्या बनाएं, सिंपल कंपैरेटर है। मैं यहां पे लेट अस से एक रेफरेंस वोल्टेज सेट कर देता हूं कॉरेस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर, और यहां पे मेरे पास अगेन वो थर्मिस्टर है। इसको मैं अब यू लगा देता हूं, यहां पे मैंने एक वोल्टेज दे दी और यहां से आउटपुट लेके यहां दे दी। ओ सॉरी उल्टा, ये जू जू टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी वैल्यू कम होगी और यहां पे वोल्टेज बढ़ना शुरू कर देगी। जब यहां वोल्टेज इस मेरे सेट टेम्परेचर से ज्यादा होगी तो आउटपुट क्या होगा, हाई या लो। जब इस पॉइंट पे वोल्टेज इससे ज्यादा आएगी आउटपुट हाई हो जाएगी। अब आउटपुट हाई होगी, आगे मैंने उससे एसी ऑन करवा दिया। तो कैसे ऑन करवा देंगे, यहाँ आउटपुट अगर हाई हो जाती है इसको आप एक रिले को दे दें, ये रिले की कॉइल है और रिले के जो कनेक्शन है आपके लेट अस से उसमें जो मेरे पास 220 वोल्ट आ रहे हैं उसमें मैंने एक यहां दे दिया, एक मैंने यहां लेके आगे ये मेरा एसी है उसको दे दिया और ये चीज लगी। एंड
यहाँ पे अगेन हम डायोड लगा दें ताकि जब यहाँ हाई वोल्टेज आएगी 12 वोल्ट आएंगे, ये रिले में से करंट चलेगी, रिले इस कॉन्टैक्ट को खींचेगी, ये यहाँ आ जाएगा कॉन्टैक्ट, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, एसी चलना शुरू कर देगा, एसी चलेगा, ठंडक होना शुरू होगी, टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, टेम्परेचर कम होना शुरू होगा तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू होगी, यहाँ पे वोल्टेज गिरना शुरू हो जाएगी। जब वोल्टेज इससे नीचे गिरेगी -12 वोल्ट आएंगे, ओपन हो जाएगा, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ये सर्किट ओपन होकर वापस यहाँ आ जाएगी। लेकिन इसमें डोंट यू सी अ प्रॉब्लम, यहाँ पे अगर मैंने वोल्टेज सेट की हुई है 26 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग, जो ही एसी ऑन होगा और टेम्परेचर 25.99 हुआ, इससे कम हो गया यहाँ वोल्टेज, रिले ऑफ हो गई, एसी बंद हो गया। जो ही एसी बंद हुआ, अब 25.99 से टेम्परेचर को 26.01 आने में कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? एक मिनट भी लगेगा, फ्यू सेकंड्स टेम्परेचर में चेंज आएगी, वो 26.01 होगा, जो ही इससे ऊपर जाएगा रिले फिर ऑन हो जाएगा, एसी ऑन होगा, एसी जो ही ऑन होगा हार्डली मेरे ख्याल 4-5 सेकंड एसी चलेगा, वो 26.01 से फिर 25.99 पे आएगा, फिर बंद हो जाएगा। तो बेसिकली ये आउटपुट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती रहेगी। जहां पे भी ये इशू हो उसको अवॉइड किया जाता है, इसे हम कहते हैं चैटरिंग, कि आउटपुट जो है ना वो फास्ट ऑन ऑफ होना शुरू हो गई है। एंड दैट कैन ऑफ कोर्स डैमेज एसी, क्योंकि आपको पता है जब एसी एक दफा बंद हो तो फिर उसको फौरन ऑन नहीं किया जाता, थोड़ी देर दी जाती है ताकि फिर ऑन बनाना, कंप्रेसर खराब हो जाता है। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए हम ये चाहते हैं कि अच्छा जी टेम्परेचर 26 है, लेकिन 26 पे आने पे एसी स्टार्ट ना हो, जब टेम्परेचर बढ़ के 27 हो तब एसी स्टार्ट हो, और उसके बाद एसी चलता रहे, जब टेम्परेचर 26 से नीचे भी आ जाए तब भी चलता ही रहे, जब तक फॉर एग्जाम्पल 25 तक ना आ जाए। तो आप एक सर्टन बैंड दे देते हैं, बिल्कुल इस तरह से आप एक बैंड दे देते हैं कि यार इस अगर बैंड से मैं अंदर होऊंगा तो लेट इट बी वट एवर द स्टेट इज, लेकिन अगर बैंड की बाउंड्री क्रॉस करूंगा ऊपर तो आउटपुट बदल जाएगी, या अगर बैंड की बाउंड्री नीचे क्रॉस करूंगा तो आउटपुट बदल जाएगी। इसको हम ग्राफिकली यूं दिखाते हैं कि अगर ये मेरा इनपुट सिग्नल है और ये मैंने बैंड बना दिया, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरा इनपुट सिग्नल बढ़ते बढ़ते यहां तक आएगा तो लेट अस से इस वक्त ये हाई हो जाए, आउटपुट हाई हो जाएगी, लेकिन अब अगर इस वक्त यहां से इनपुट कम होना शुरू हो आउटपुट हाई ही रहेगी जब तक इनपुट इस लेवल तक ना आ जाए, जब इनपुट इस लेवल से नीचे जाने लगेगी तो आउटपुट स्विच करेगी और दूसरे लेवल पे आ जाएगी। अब जब तक इनपुट कम रहेगी इस लेवल से आउटपुट लो ही रहेगी, आप अगर दोबारा इनपुट बढ़ना शुरू करेगी आउटपुट यही रहेगी, यहां पहुंच जाऊंगा आउटपुट यही रहेगी, इस बैंड के अंदर यहां पहुंच जाऊंगा आउटपुट यही रहेगी, लेकिन जब इसको क्रॉस करूंगा आउटपुट फिर हाई हो जाएगी। तो इन अदर वर्ड दिस इज हाउ इनपुट बढ़ने के साथ मेरी आउटपुट चेंज होगी, अगर इनपुट कम होना शुरू होगी तो मैं इस रास्ते को फॉलो करूंगा, मेरी आउटपुट हाई ही रहेगी जब तक मैं इस पॉइंट पर आ जाऊंगा, यहां आऊंगा तो फिर मेरी आउटपुट चेंज होगी, और फिर मैं अगर इनपुट कम करता जाऊं तो आउटपुट मेरी यहीं खड़ी रहेगी, यहां से अगर मैं दोबारा आउटपुट इनपुट बढ़ाना शुरू करूंगा तो फिर मैं ये रास्ता लूंगा, मेरी आउटपुट यहीं रहेगी जब तक मैं इस लेवल पे ना आ जाऊं, इस लेवल पे आऊंगा तो आउटपुट चेंज होगी। अब यहां पे अगर मैंने 26 सेट कर भी दिया है और लेट अस से
ये 27 है और ये 25 है, तो अब वो इशू खत्म हो गया है। अब एसी तब चलेगा जब टेम्परेचर 27 पे पहुंच जाएगा। जब एसी चलना शुरू होगा तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन एसी चलता रहेगा जब तक टेम्परेचर 27 से कम हो गया 26 पे ना आ जाए, 26 से कम हो गया 25 पे ना आ जाए। जब 25 पे आ जाएगा अब एसी ऑफ हो जाएगा, एसी ऑफ हो जाएगा तो अब ऐसे ऐसा कमरे का टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा। 25 होगा, 26 होगा, एसी नहीं चलेगा, 27 होगा तो एसी चलेगा। नाउ यू कैन सी कि जितना आप इस गैप को बड़ा करेंगे उतना ही एसी के ऑन और ऑफ होने की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ज्यादा देर तक ऑन रहेगा और ज्यादा देर तक ऑफ रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप इस बैंड को नैरो कर देंगे तो थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ करेगा, फिर थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए ऑन हो जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस, इस फिनोमेना को कहते हैं हिस्टेरेसिस। आपने हिस्टेरेसिस मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। और ये हिस्टेरेसिस का फिनोमेना, इसको हम बेसिकली हिस्टेरेसिस बैंड कहते हैं। और इसको हम कहते हैं यूटीपी, विच स्टैंड्स फॉर अपर ट्रिगर पॉइंट, कि इस जगह पे जब बढ़ते बढ़ते इनपुट यहां पे आएगी तब बेसिकली अपर ट्रिगर पॉइंट आउटपुट ट्रिगर होके अपने आप बदल लेगी। और इसे कहते हैं एलटीपी, लोअर ट्रिगर पॉइंट, कि जब इनपुट कम होते होते इस लेवल पे पहुंचेगी तब आउटपुट जाके टॉगल करेगी और अपने आप को बदल लेगी। तो यूटीपी, एलटीपी और इसको हिस्टेरेसिस बैंड एच कह देते। द आइडिया इज कि ये जो हिस्टेरेसिस बैंड अगर हम ये लगा दें कंपैरेटर के साथ तो फिर ये जो चैटिंग वाली जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाती है। अब ये कैसे लगाएं? दिस इज व्हाट इज अचीव्ड बाय गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। अगर मेरा ये एक कंपैरेटर था सिंपल सा और लेट अस से मैंने इसको जीरो दे दिया, नाउ आई नो कि जब भी यहाँ सिग्नल जीरो से ऊपर जाएगा आउटपुट नेगेटिव हो जाएगी, जो ही जीरो से नीचे आएगा आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगी। और इसका हमने बना के देखा भी था कि अगर मैं इसको एक साइन वेव दे दूँ तो इसके ऊपर जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो यूं मिलेगी कि जो ही यहाँ पे आउटपुट पॉजिटिव हुई, इनपुट पॉजिटिव हुई, आउटपुट नेगेटिव हो गई और दिस इज द आउटपुट दैट आई विल गेट। इन अदर वर्ड, सिंपल जीरो से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आउटपुट बदल जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बदल जाएगी। नाउ इफ आई वांट टू इंट्रोड्यूस हिस्टेरेसिस, ऑल आई हैव टू डू इज कि आप पॉजिटिव फीडबैक लगा दें एक लाइक दिस। दिस पॉजिटिव फीडबैक एक्चुअली इंट्रोड्यूसेस हिस्टेरेसिस। लेट अस सी अब क्या होता है इसके साथ, क्या अभी भी यही वेवफॉर्म बनेगी? अज्यूम करते हैं कि शुरू में हमें पता है कि क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक है इसमें आउटपुट हमेशा दो ही लेवल पे हो सकती है, या हाई या लो। लेट अस अज्यूम के आउटपुट हाई लेवल पे थी, यहां पे थे प्लस वीसीसी। अगर प्लस वीसीसी यहां पे था तो यहां पे वैल्यू क्या होगी? लेट अस से दिस इज, चल जनरली मैं इसको एन आर कह देता हूं, इसे आर, यानी अगर इसकी वैल्यू वन के है तो एन टाइम्स वन के इसकी वैल्यू है। एन कैन बी टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एनी वैल्यू। यहां पे जो वैल्यू आएगी, लेट मी कॉल इट वी वन, ये क्या आएगी? पोटेंशियल डिवाइडर है यार। वी वन इज इक्वल टू
आर डिवाइड बाई आर प्लस एन आर इंटू वी सी सी, तो ये बन गया आपका, अगर मैं वन ओवर वन प्लस एन इंटू प्लस वी सी सी। अब ये एन वगैरह की टर्मों में नॉर्मली लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो लेट अस टेक सम वैल्यू के जी, लेट अस से एन इज 5 एंड प्लस वी सी सी इज 12 वोल्ट एंड माइनस वीई वो भी हम ले लेते हैं जी माइनस 12 वोल्ट। अब इस सिनेरियो के साथ V1 की वैल्यू क्या आएगी, टू वोल्ट, इसका मतलब है यहां पे होंगे 2 वोल्ट, ठीक है। नाउ आउटपुट इज हाई, यहां पे है 2 वोल्ट। अब अगर यहां पे 0 वोल्ट हो इनपुट पे, यहां पे है 2 वोल्ट, यहां 0 वोल्ट, आउटपुट क्या होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, प्लस वी सी सी, तो वही तो आउटपुट है इस वक्त, इसका मतलब 0 के ऊपर आउटपुट प्लस वी सी सी रहेगी। अब यहां पे आउटपुट बढ़ती जाए, इनपुट बढ़ती जाए, 0 की बजाय हम 1 वोल्ट पे आ जाए, 2 वोल्ट पे आ जाए, 3 वोल्ट पे आ जाए, क्या होगा, जब तक हम 2 वोल्ट से नीचे नीचे हैं आउटपुट पॉजिटिव ही रह रही है। जो ही हम 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेट अस से 2.5 पे चले गए, अब आउटपुट क्या होगी, माइनस। अब जब यहां पे आउटपुट इसकी बजाय आ जाएगी माइनस वीई, तो यहां पे वोल्टेज क्या आएगी, नेगेटिव 2 वोल्ट। अब यहां आ गए जी माइनस 2 वोल्ट, यहां 2.5 था और यहां माइनस 2 वोल्ट, ईडी क्या हुई, माइनस, आउटपुट ना माइनस ही होनी चाहिए थी, माइनस ही है, इसका मतलब ठीक है सिस्टम सेट है। अब आप यहां से 2.5 से नीचे आना शुरू कर दें, कीप इन माइंड कि जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे 2 वोल्ट के ऊपर जाके आउटपुट स्विच की थी, अब आप 2.5 से नीचे आ जाए, 2 पे आ जाए, आउटपुट क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। 1 पे आ जाए, आउटपुट क्या होनी चाहिए, नेगेटिव ही रहेगी। 0 पे आ जाए, माइनस 1 पे आ जाए, अब माइनस 2 से थोड़ा सा बढ़े आप पॉजिटिव। यू सी के आप जब ऊपर जा रहे थे तो 2 वोल्ट पे जाके आउटपुट स्विच की थी, और नीचे आते हुए जब आप माइनस 2 पे आए हैं तो आउटपुट स्विच की है, इसका मतलब आप वेवफॉर्म ये नहीं बनेगी, अब ये बनेगी कि जब आप ये है 2 वोल्ट और ये है माइनस 2 वोल्ट। अब जब तक हम 2 से आगे नहीं जाएंगे, यानी इसको मैं अब खत्म कर दूं, जब तक हम इस लेवल तक नहीं आ जाते आउटपुट स्विच नहीं करेगी, आउटपुट हाई ही रहेगी, और इसकी बजाय यहां पे आगे आउटपुट स्विच करेगी। लेकिन अब जब मैं इसे पीछे आने की कोशिश करूंगा तो आउटपुट ये रहेगी हाई, हमने भी करके देखा था, आउटपुट लो ही रहेगी। यहां पे आके ये आउटपुट जब तक मैं यहां नहीं आ जाता मेरी आउटपुट लो ही रहेगी, जब मैं माइनस 2 से कम करूंगा तो अब ये हाई होगी। तो आपने देखा कि पहले ये यहां 0 क्रॉसिंग पे जगह के ऊपर आउटपुट बदलती थी, 0 से थोड़ा सा ऊपर गए आउटपुट बदल गई, थोड़ा सा नीचे आए आउटपुट फिर चेंज हो गई।
अब बेसिकली जीरो के गिर्द एक हिस्टेरेसिस बैंड आ गया है। अब जीरो के बजाय 2 वोल्ट पे जाके आउटपुट बदलती है जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे होते हैं। जब हम वोल्टेज कम कर रहे होते हैं तो जीरो पे स्विच नहीं करती, जीरो से पीछे -2 पे आकर स्विच करती है। तो ये अब एक बैंड आ गया, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस बैंड। और ये पर्टिकुलर जो जो कंपैरेटर बना है इसे हम कहते हैं, इसको इसका एक नाम श्मिट ट्रिगर भी है। और ये कौन सा होगा, इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर? यार उसके इन्वर्टिंग एंड पे इनपुट दे रहे हैं तो इन्वर्टिंग है, जब इनपुट बढ़ती है तो आउटपुट कम हो जाती है, नेगेटिव चली जाती है। तो ये बेसिकली इसे हम क्या देते हैं, इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर। या कंपैरेटर विद हिस्टेरेसिस, इन्वर्टिंग कंपैरेटर विद हिस्टेरेसिस। एंड हिस्टेरेसिस कितना सेट करना है आप यहां से देखते हैं, यू चेंज द वैल्यू ऑफ एन एंड यू चेंज कि ये कितना वाइड हो। एन को 5 की बजाय अगर आप 2 कर देंगे तो यहां पे 2 वोल्ट की बजाय 4 वोल्ट आ जाएंगे, ये बैंड और चौड़ा हो जाएगा। ये यहां पे जाके भी आउटपुट स्विच नहीं करेगी, यहां पे 4 पे जाके स्विच करेगी। सो हेंस बाई चेंजिंग दिस रेशो आप यहां पे जो पोर्शन फीडबैक हो रहा है आउटपुट का उसकी वैल्यू चेंज करते हैं और यही वैल्यू हिस्टेरेसिस बैंड सेट करती है। इस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो हिस्टेरेसिस बैंड है उसकी विड्थ है 4 वोल्ट की। बेसिकली ये जो आपका यूटीपी बना इस पे, व्हाट इज यूटीपी, अपर ट्रिगर पॉइंट 2 वोल्ट। व्हाट इज एलटीपी, -2 वोल्ट। तो हिस्टेरेसिस बैंड की विड्थ जो होती है ना, एच जो है, ये होता है यूटीपी -LTP। कि इतना वाइड आपका बैंड बन गया है सेंटर वैल्यू के अक्रॉस। और सेंटर वैल्यू वो होती है जिसके, ऑफ कोर्स इन दोनों की एवरेज ले लो तो वो सेंटर वैल्यू है, इसके इधर इधर इतना इतना गैप है आपके पास। तो आप सेंटर वैल्यू के ऊपर सिग्नल स्विच नहीं करता, सेंटर वैल्यू से इतना आगे जाए हाफ ऑफ द हिस्टेरेसिस बैंड तो आउटपुट स्विच करेगी, या सेंटर वैल्यू से हाफ ऑफ द हिस्टेरेसिस बैंड नीचे आए सिग्नल तब आउटपुट स्विच करेगी, वरना नहीं करेगी। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके सिग्नल की नॉइज जो है ना वो आपको हर्ट नहीं करती। यानी अगर आप कोई लेवल डिटेक्शन करना चाह रहे हैं और उसमें नॉइज आ गई से बढ़ा दिया कि फर्ज करें मैंने 0 डिटेक्टर लगा रहा है लेकिन मेरा सिग्नल यूं करके बना रहा है, ये साइन वेव है जिसके ऊपर नॉइज है, अब अगर इस सिग्नल में अगर मैं इसको थोड़ा सा और यहां पे एलैबोरेट कराऊं, देखो अगर आप 0 कंपैरेटर लगाओगे तो यहां पे भी स्विचिंग होगी, यहां पे भी, यानी आउटपुट जो है आपकी वो इन जगहों के ऊपर कई दफा स्विच करेगी। हालांकि यहां पे असल में सिग्नल ने तो सिर्फ एक दफा 0 क्रॉस किया है लेकिन नॉइज थी इसकी वजह से कई क्रॉसिंग्स आ गई। ऑन द अदर हैंड अगर हम ये वाला हिस्टेरेसिस लगाए तो अब अगर ये सिग्नल इसके ऊपर नॉइज बन के ये हो भी जाएगा ना यूं, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने तो सिर्फ उस वक्त सिग्नल ने चेंज होना है जब ये इस एज को क्रॉस करेगा, बीच में पीछे 0 के पास पास नॉइज आती जाए। और अगर ये यहां पे भी नॉइज आ जाएगी फिर भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब ये एक दफा सिग्नल यहां से बैंड से निकला
किसी ने अपना लेवल चेंज कर लिया, अब जितनी देर तक ये वापस बैंड के अंदर जाता रहे सिग्नल तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक ये इस बैंड को क्रॉस नहीं करेगा। तो इसलिए हिस्टेरेसिस बैंड जो है ना, इसकी विड्थ अगर इस तरह से रखी जाए कि जो आपकी नॉइज है, इस नॉइज की जो मैक्सिमम पीक टू पीक वैल्यू है उससे आपका बैंड बड़ा हो, तो फिर बेसिकली आपकी आउटपुट बिल्कुल क्लीन होती है, उसमें कोई इस जगह के ऊपर चैटिंग नहीं आती। तो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट इंट्रोड्यूसिंग एन हिस्टेरेसिस बैंड इन कंपैरेटर्स। और इसके और जो इस्तेमाल हैं वो हम फिर इंशाल्लाह कल देखेंगे कि इस पॉजिटिव फीडबैक के जरिए और ये हिस्टेरेसिस डाल के इससे हम ऑसिलेटर भी बना सकते हैं जो कि सिग्नल जनरेट करते जाए खुद ब खुद ही। लेकिन दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव फीडबैक एंड हिस्टेरेसिस। अगर पॉजिटिव फीडबैक ना हम दे, हिस्टेरेसिस बैंड ना बने, तो फिर ऑसिलेटर नहीं बन सकते। अब अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछूं कि हिस्टेरेसिस को सिंपल अल्फाज में डिफाइन कर दो, एक है कंपैरेटर, एक है कंपैरेटर विद हिस्टेरेसिस, दोनों में फर्क क्या होगा? यानी लेवल कंपैरेटर और लेवल कंपैरेटर विद हिस्टेरेसिस, इन दोनों में क्या फर्क है? मतलब ठीक है, लेकिन जरा अल्फाज भी ठीक कर लो, अगले को भी समझ में आ जाए। आप बताएं, आप से फिक्स आप कंपैरेटर में चैटिंग तब होगी अगर नॉइज आई, तो वरना तो नहीं होगी। नेक्स्ट पर्सन, ठीक है इसकी, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी ना बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन हम अगर मैं उसको रूप करूं कि लेवल कंपैरेटर जो है उसमें असल में यूटीपी इज इक्वल टू एलटीपी एंड इट इज इक्वल टू द रेफरेंस वोल्टेज, यानी जो आपने रेफरेंस वोल्टेज सेट की है उसी पे अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो आउटपुट चेंज हो जाएगी, अगर उससे इनपुट कम होगी आउटपुट फिर चेंज हो जाएगी। यानी वो अपर ट्रिगर पॉइंट और लोअर ट्रिगर पॉइंट दोनों इक्वल हैं एंड दे आर इक्वल टू द रेफरेंस वैल्यू जिसके साथ हम लेवल कंपेयर करना चाह रहे हैं। जबकि अगर यूटीपी और एलटीपी डिफरेंट हो तो फिर ये बेसिकली कंपैरेटर विद हिस्टेरेसिस है। क्लियर? तो ये यूटीपी और एलटीपी के टर्मों में जनरल डेफिनेशन होगी कि लेवल कंपैरेटर वो होगा जिसमें यूटीपी एलटीपी बराबर हो, जबकि अगर ये दोनों डिफरेंट पॉइंट हैं यानी वोल्टेज बढ़ते हुए किसी और पॉइंट पे जाके आउटपुट को चेंज करती है और रिड्यूस होते हुए किसी और पॉइंट पे जाके किसी और लेवल पे जाके स्विच करती है, तो फिर वो हिस्टेरेसिस वाला कंपैरेटर लाएगा। अगर वोल्टेज के बढ़ते हुए आउटपुट चेंज होने वाला पॉइंट और कम होते हुए चेंज होने वाला पॉइंट या लेवल एक ही हो तो फिर वो सिंपल लेवल कंपैरेटर है। और लेवल कंपैरेटर की खराबी ये है कि नॉइज की वजह से उसमें जब भी वो लेवल हम क्रॉस करते हैं अगर वहां पे नॉइज आ जाए तो उसकी वजह से आउटपुट जल्दी जल्दी दो चार दफा स्विच कर जाएगी। जबकि अगर आप हिस्टेरेसिस डाल दें और हिस्टेरेसिस बैंड की विड्थ इतनी रखें कि नॉइज की पीक टू पीक वैल्यू से ये हिस्टेरेसिस बैंड बड़ा हो, तो फिर इवन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज जब आप बैंड से गुजरेंगे तो आउटपुट जल्दी जल्दी हाई लो नहीं होगी, बड़े क्लीनली एक दफा हाई होगी फिर जब आप बैंड से गुजर जाएंगे फिर एक दफा लो हो जाएगी। ये इसका एडवांटेज है। एक मैंने आपको वो दिया था जरा सोचने के लिए, कल सोच के आना कि विंडो कंपैरेटर जो है
वो हम उस सर्किट से कैसे बना सकते हैं। एक चीज और मैं आपको दूंगा कि जरा थोड़ी एक्सरसाइज करो, क्योंकि अनलेस यू जस्ट कम सिट इन द क्लास लिसन एंड गो अवे एंड डोंट डू एनीथिंग, नो रीडिंग नो एक्सरसाइज एट योर एंड, बिलीव मी यू विल फॉरगेट इट लाइक दिस, और आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो घर जाके, कोई बुक पढ़ लो, मैं आपको इसलिए थोड़ी सी ये दे रहा हूँ, ये जरा अपना मगज लगाओ इसके ऊपर, थोड़ी सी आप उस पर एक्सरसाइज करोगे ना, फिर आपको ये चीज़ याद रहने के चांसेस ज़्यादा बेहतर हैं। ये हमने बनवाया था इन्वर्टिंग, अब अगर मैं नॉन इन्वर्टिंग बनाना चाहूँ, भाई कंपैरेटर है तो फीडबैक हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव फीडबैक कर देंगे तो वो तो एम्पलीफायर बन जाएगा। अब इशू यह है कि फीडबैक भी पॉजिटिव ही देनी है, इनपुट भी पॉजिटिव ट्रेनर पर ही देनी है, क्या करें कहां दें। यहां पे मैं दे देता हूं रेफरेंस वोल्टेज, और यहां पे बजाय ग्राउंड कर देंगे जो मेरा डिवाइडर था जो कि पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, यहीं पे मैं इसको बीएन दे दूं, इसका एनालिसिस करो इसी तरह से। एनालिसिस में मैंने आपको जैसे यहां पे हमने क्या किया था, हमने कहा कि अच्छा यार आउटपुट चूंकि पॉजिटिव फीडबैक है इसलिए इट इज आ कंपैरेटर, इसकी आउटपुट या पॉजिटिव वीसीसी पे होगी या नेगेटिव वीई पे होगी, कहीं एक होगी। हमने यहां पे चूंकि अच्छा जी फर्ज कर लेते हैं ये पॉजिटिव पे है, फिर हमने देखा कि इसके इस टर्मिनल के ऊपर क्या वोल्टेज फीडबैक हो रही है, और अब सिग्नल की वैल्यू किस लेवल तक पहुंचेगी जब बेसिकली यहां पे जो ईडी बन रहा था वो अगर पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से हमने चलना है यहां पे भी, दिस इज एन आर, दिस इज आर। अब हमें पता है कि एक साइड के ऊपर हमने वैल्यू दे दी है फिक्स वैल्यू वी रेफरेंस। माई क्वेश्चन इज, हमें ये देखना है कि यार यहाँ इनपुट की किस वैल्यू के ऊपर आउटपुट जो है वो पॉजिटिव होगी, किस वैल्यू के ऊपर जाके आउटपुट नेगेटिव हो जाएगी। तो हम कंपैरेटर का एनालिसिस हमेशा ऐसे ही करेंगे कि अच्छा अज्यूम कर लेते हैं कि आउटपुट जो है वो प्लस वीसीसी पे है। अगर आउटपुट प्लस वीसीसी पे है तो यहाँ पे क्या वोल्टेज होगी, वी वन। क्या होगी यार, ये पहले डिवाइडर बन रहा है भाई, इसमें से कितनी करंट फ्लो करेगी, कितनी, वन डिवाइड बाई वी वी सी सी माइनस, यार जोर से बोल भाई, खाली वी, कौन सी वी, वी इन, ठीक है जी, वी इन डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर, ये है जो करंट इसमें फ्लो कर रही है, ठीक है। इसके क्रॉस क्या ड्रॉप होगा, करंट यू फ्लो कर रही है ना, इसके क्रॉस ड्रॉप होगा आई आर, और इसकी पोलैरिटी क्या होगी ड्रॉप की, कौन सा एंड पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, V1 वाला पॉजिटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा,
थर्ड डिस्लेक्शन में जा रही है। आप बताएं V1 किसके बराबर होगी? यार ये वोल्टेज इधर V इन है, V इन प्लस IR, V इन प्लस IR, तो ये आ गया V इन प्लस I की जगह पे ये चीज आ गई वी सी सी माइनस वी इन डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर इंटू आर। ये है वोल्टेज एट दिस पॉइंट। हमने ज्यूम किया था कि वी सी सी आउटसाइड पे पॉजिटिव है, आउटसाइड पे वी सी सी पॉजिटिव तभी हो सकती है जब ईडी क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। और ईडी जो है पॉजिटिव तभी होगी अगर V1 greater than V ref है। इसका मतलब है बाउंड्री क्या बनेगी जहां पे ED जीरो हो जाए ना, ED पॉजिटिव होगा तो आउटपुट पॉजिटिव होगी। हम निकालना चाहते हैं कि किस वैल्यू V in तक आउटपुट पॉजिटिव रहती है। जब V वन वी रेफरेंस के इक्वल हो जाए। अब इस इक्वेशन में वी वन की वैल्यू डाल दें, वी इन प्लस वी सी सी माइनस वी इन डिवाइडेड बाय ये आर इनसे कैंसिल कर देते हैं तो वन प्लस एन इज इक्वल टू वी रेफ। इसको अब आप सॉल्व कर लो कि यहां पे आपके पास आ जाएगा जी V in, अगर मैं निकाल लू तो यहां 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस n प्लस VCC डिवाइड बाय 1 प्लस n इज इक्वल टू V ref। ये बन जाएगा V in इंटू, अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये n ओवर n प्लस 1, और इसको हम उधर ले जाते हैं v ref माइनस वी सी सी डिवाइड बाई 1 प्लस n। यहां पे बन जाएगा जी V in is equal to n plus 1 divided by n into V ref minus VCC divided by 1 plus n, और इसे अगर किया जाए तो ये बन जाएगा V ref इंटू वन प्लस वन ओवर एन माइनस वी सी सी डिवाइड बाई एन। दिस इज वी इन, यानी जब तक वी इन की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है ईडी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और आउटपुट वी सी सी होगी। लेकिन जब अगर हम इनपुट को कम करते करते इस वैल्यू से नीचे ले आए तो क्या होगा, तो ईडी नेगेटिव हो जाएगी और आउटपुट आउटपुट चेंज हो जाएगी फ्रॉम वीसीसी टू माइनस वी। तो फिर ये क्या वैल्यू बनी, ये एलटीबी बनी या यूटीबी बनी? नहीं, देखो ना, हमने अभी देखा कि अगर वैल्यू इससे बड़ी रहे तो आउटपुट वीसीसी पर ही रहेगी, आउटपुट चेंज नहीं होगी। अब मैं इनपुट कम करते 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 जब इस वैल्यू से नीचे आऊंगा तब इनपुट चेंज होगी एलटीपी, क्योंकि मैं इनपुट को लोअर करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं, और जिस वैल्यू पे लोअर वैल्यू पे जाके ये आउटपुट बदल जाएगी दैट इज कॉल्ड एलटीपी।
तो ये निकल आएगा एलटीपी उस सर्किट के लिए, इस सर्किट के लिए. दिस इज व्हाट इज एलटीपी. जब भी हम हिस्टेरेसिस वाले कंपैरेटर का एनालिसिस करेंगे, मैंने आपसे यही कल कहा था कि उसमें एक पॉइंट